नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्काई एजुकेयर के एक और नए टेस्ट सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त एसके कटारिया। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं और इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, वो थी राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके पर एक और नई टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं और ये जो आज टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, ये है भारतीय राजनीति पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये टेस्ट सीरीज़ भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ के सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना है। सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये आप जल्दी से दबा दें। और सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखाई देगा, इसको भी जल्दी से दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए दोस्तों, टेस्ट प्रारंभ होता है। आपके जितने क्वेश्चन इसमें सही हों वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं केवल आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू नहीं की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और सामने उनसे संबंधित बातें लिखी गई हैं, तो इनको आपको सुमेलित करना है। उसके बाद नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर का आपको चयन करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 का संबंध है समानता के अधिकार से, तो ये सुमेलित हो जाएगा 3 नंबर के तथ्य से। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 संबंधित किससे है, यह है नीति निदेशक तत्वों से संबंधित। ठीक है, तो ये 4 नंबर के ऑप्शन से सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद में है अनुच्छेद 74, ये मंत्रिपरिषद से सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन 2 से। और फिर जो बचा है अनुच्छेद 368, ये हो जाएगा 1 नंबर के ऑप्शन से, ये किससे संबंधित है, संशोधन प्रक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3421, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 36 है ये नीति निदेशक तत्वों से, अनुच्छेद 74 है मंत्रिपरिषद से, और अनुच्छेद 368 जो है ये है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, मद्रास में, या बंबई में, या फिर दिल्ली में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह संविधान संशोधन कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन, यानी 91 का जो संविधान संशोधन है उसमें यह उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणविक ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए, यानी कौन सी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, केवल भारत में, केवल यूके में, भारत और यूएसए दोनों में, या केवल यूएसए में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसका आंसर होगा, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे या सहमति न दे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत राज्यों का समूह है, या राज्यों का फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है, या राज्यों का कंफेडरेशन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1950? माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर दो ऑप्शन सेम डल गए हैं और ये दोनों ही गलत हैं, यानी ये इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है, 1 अप्रैल 1951। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता
संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यह उपबंधित है संविधान के अनुच्छेद 19 एक के भाग ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की, या योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की? नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक की यानी केवल वित्त आयोग की, या वित्त आयोग और योजना आयोग के उपाध्यक्ष दोनों की, या फिर वित्त आयोग और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की, इन दोनों की, या फिर ऑप्शन दो और तीन यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना पड़ता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय रूप से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं? बहुमतदान या गुप्त मतदान, या भारित आंदोलन, या फिर परोक्ष मतदान? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परोक्ष मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? आंसर होगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा में 10 सदस्यों को, और ऑप्शन बी, राज्यसभा में 12 सदस्यों को। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहले वाले कथन की बात सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि सेकंड कथन की बात सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों ही बातें सही हैं, और ऑप्शन डी में है कि न तो एक वाली बात सही है और न कथन दो वाली बात सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन दो वाली बात इसमें सही है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो निसंकोच आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।